अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जिशान हसन है। आई एम द ट्यूटर ऑफ ACCA पेपर स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग SBR। तो सोचा ही इस वीडियो में कुछ SBR से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करें। नेटिंग ऑफ के ऊपर बात करते हैं। नेटिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है कि लेट से मिस्टर ए ने को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को देने थे 500 और मिस्टर ए ने बी ने ए को देने थे 500। ठीक है, रिपीट कर दो। मिस्टर ए ने बी को देने थे 500 और मिस्टर बी ने ए को देने थे 500। तो क्या ये नेटिंग ऑफ अलाउड है? ठीक है, क्योंकि एक तरफ आपके रिसीवर्स में लेट से बात करते हैं मिस्टर ए की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो उसके पास रिसीवेबल्स में नजर आ रहे होंगे बी से 500 और पेबल्स नजर आ रहे होंगे बी को 500। तो क्या ये अलाउड है नेटिंग ऑफ करना? तो इसको रूल करता है IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आगे जाके वो IS 39 का भी इसमें रेफरेंस देता है नेटिंग ऑफ का। तो नेटिंग ऑफ अलाउड है अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों सेम डेट पे एक दूसरे को पेमेंट कर रहे हो, राइटिंग में कंफर्म कर रहे हो एक दूसरे को। ठीक है, सेम डेट पे ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, एक चीज। दूसरा, राइटिंग में एक दूसरे को कंफर्म कर रहे हो, ये दो कंडीशंस अगर मीट कर रही हो तो नेटिंग ऑफ की जा सकती है, अदरवाइज नेटिंग ऑफ अलाउड नहीं होती। यह कहता है हमें IFRS 9 और IS 39 जो कि रिलेटेड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से। सो आई होप आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कमेंट है, कोई सवाल है तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं और दूसरों से भी शेयर करिएगा। ठीक है, दिस इज मी जिशान हसन फ्रॉम accountancy.com साइनिंग ऑफ।